विमान बनाने वाली कंपनी एम्ब्रेयर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने पर विचार कर रही है। एम्ब्रेयर ने कहा है कि न्यू जनरेशन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए भारतीय और वैश्विक कंपनियों के साथ उसकी चर्चा अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। एम्ब्रेयर एक ब्राजीलियाई निर्माता है जो एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, मिलिट्री और अन्य प्रकार के एयरक्राफ्ट का उत्पादन करता है और अब भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है। एम्ब्रेयर ने कहा है, हम नेक्स्ट जनरेशन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट के लिए साझेदारी विकल्पों के चयन पर मैन्युफैक्चरिंग सहित भारत में और विश्व स्तर पर संभावित भागीदारों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चाएं चल रही है और अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। भारत हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के लिए टाटा एयरबस कंसोर्टियम द्वारा निर्मित किए जाने वाले C-295 सामरिक परिवहन विमान का निर्माण केंद्र बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में संयंत्र के विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। एम्ब्रेयर के पास वैश्विक स्तर पर सेवा में 1,700 से अधिक कमर्शियल जेट्स हैं। जुलाई में कंपनी ने 20 साल का मार्केट आउटलुक जारी किया। अनुमान लगाया कि टर्बो प्रॉप्स की वैश्विक मांग 2,280 यूनिट्स को छू सकती है। इसमें से लगभग 960 यूनिट्स एशिया पैसिफिक रीजन से आ सकती है। A-175 कंपनी का सबसे लोकप्रिय विमान है और यूएस एयरलाइंस स्काई वेस्ट 230 जेट के साथ इन विमानों का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। भारत में स्टार एआरजे 145 5 विमानों का संचालन करती है और हाल ही में 2 A-175 विमानों को शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में इंडिया में 22 एम्ब्रेयर निर्मित बिजनेस जेट्स भी हैं। ब्राजील के निर्माता द्वारा भारत में संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से और समर्थन मिलता है कि भारत जल्द ही एक विमान निर्माण केंद्र बन सकता है। हम देख भी रहे हैं कि बोइंग और एयरबस जैसे विदेशी निर्माता या तो भारत आ रहे हैं या होम ग्रोन डिजाइन का निर्माण कर रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विमान निर्माण के क्षेत्र में प्रोग्रेशन दिखाई है। विकास ज्यादातर विदेशी निर्माताओं को उनके उत्पादों के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ साझेदारी करने के लिए पसंद करता है। इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड वाली एयरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भी महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, जो डोनियर 228 के घरेलू संस्करण हिंदुस्तान 228 का उत्पादन करती है और इसने कई भारतीय व्यवसायों को एयरबस और बोइंग के ग्लोबल इकोसिस्टम में एकीकृत किया है। इसके अलावा भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने से अर्थव्यवस्था के साथ साथ इंडियन एविएशन सेक्टर को भी बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।